Thank you.
또 하나 꺼봐 하나 ये देखना होगा आज जरा मैं डिबेट तीन नंबर राहुल उम्र कम है लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का अच्छा खासा उनका अनुभव है चलिए फिर से यहाँ पर दूसरा गोल दगर में कामयाब होता पड़े रेमन फिनिशिंग करता हुआ एक मौका मिला भरपूर लाभ उठा दिया यहाँ पर नाटी के अंदाज में पर रेमंड से बॉल को डाले थे तो
चलिए ताली होना चाहिए विदेशी मुल्क के खिलाड़ी के लिए, हैट्रिक गोल के लिए ताली बजाएंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतर यहां पर फिनिशिंग, सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट इनका ये अच्छा लगा। जब मेन डिफेंडर था तो बॉल को थोड़ा सा स्लाइड लेके गए, ऐसा लगा मानो लेफ्ट जोन के खिलाड़ी के लिए बॉल को डाल रहे हैं। और फिर से एकाएक मिडिल में बॉल को लाए और तीन मेन डिफेंडर एडिफेंस के लड़के आ गए। फॉर्मो लेगा पाटा किन को चाहे दे नौका के करना देते लेगा पाटा जाए खाड़ी तय करना उन्हें बोले भाई जैसे मेन डिफेंडर किसी को राइडियल पाटा किन चलाए ना डिफेंस के बात के जैसे तालमेल में ज्यादा खराबी नहीं है मेरे विचार से, लेकिन जिस टेक्निक को आजमा रहे नाक दोहर टीम की वजह से मुर्गी खाड़ी उसे टेक्निक को रोक नहीं पा रहे। बात ऐसा नहीं कि तितिरबिला टिकटॉक की टीम पहली बार नाजरीन खेल के विरुद्ध खेले, ऐसा कोई बात नहीं। पांच छह नाजरीन टीम के खेल के विरुद्ध भी मैच को जीतने में कामयाब होता है, लेकिन आज कमाल का खेल खेले अपन रेमंड। राहुल का है पद बेस्ट डिसिप्लिन टीम के लिए आकर्षक प्राण भी है। अभी से जगन्नाथपुर टीम के जो मैनेजर हैं, बार बार आपको बुलाया जा रहा है, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, दर्शकों को भी शायद सुनने में भी खराब लग रहा होगा। बड़े टूर्नामेंट है, कम से कम आपको जब कमेटी के ओर से आमंत्रण दिया जा रहा है आपको कमेटी मंच में आके सुंदर बनाना चाहिए। मुझे टीम को मैनेजर या कप्तान को बुलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, दिक्कत इस बात होता है प्रोग्राम का लेवल क्या होता है वो भी देखना पड़ता है। चेक बुकिंग मिलता हो चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए हम लोग